और न जानने वाले ये बराबर नहीं हो सकते। इस शायर ने कहा, खुद कहा है कि हजारों साल लंदिश अपनी बेनजी पर होती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा, और पिघलना इल्म की खातिर मिसाले समय देवा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। यानी इल्म की रोशनी के बगैर हम अल्लाह रब्बुल्जलाल को नहीं पहचान सकते, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल्जलाल कुरान मुकद्दस से अंदर इरशाद फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही उलमा, कि बेशक अल्लाह से डरने वाले वही हैं जिनके पास इल्म की दौलत मुसल्लम है। और इस बात की गम्मादी कर रहा है इंसान कि जिसको इल्म दीन की दौलत हासिल हो जाती है उसको बुलंद मकाम पे बैठाया जाता है, ऊपर से चादर बिछाई जाती है तब उसके बाद इंसान को बैठाया जाता है, इस बात की गम्मादी कर रहा है। और ये खुले तौर पे हर इंसान देखता है, अपने माथे की निगाहों से देखता है कि जो इंसान जानने लगता है या जानने वाला हो जाता है उसको बुलंद मकाम पे बैठाया जाता है। इसी को किसी शायर ने कहा है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है जमन में दीदावर पैदा, पसीने चंद बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। वाखुर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कुल हल यस्तवी लदीना यालमून वलदीना ला यालमून। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि बेशक जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं। देखो जानने वाले रतबा मेरे नबी का पूरे आर्य पर रहा, मेरे नबी का पूरे आन पर रहा है, मेरे नबी का ताकत में इरादा फरमा हुआ सहता, ताकत में इरादा फरमा हुआ सहता, जो उम्र देखा चेहरा मेरे para el amor de parte de mi padre.